हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में बायोडाइवर्सिटी एंड कॉन्जर्वेशन लेक्चर 3। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्जर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की, यानी कि कल के सेशन में आपने देखा हमने बात करी थी बायोडाइवर्सिटी लॉस के बारे में, यानी कि बहुत सी बायोडाइवर्सिटी लॉस्ट हो रही है। आज भी उस क्रम को थोड़ा सा ज़रूर आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद हम समझेंगे कि कॉन्जर्वेशन को कैसे किया जा सकता है। कॉन्जर्वेशन ज़रूरी है ये तो आप समझ ही चुके हैं कल के सेशन से, लेकिन कैसे कैसे उसको करना है इसके बारे में बात जरूर करना है आज हमें। तो चलिए बच्चों शुरू कर देते हैं आज के इस सेशन को, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन लेक्चर 3। नाउ जो बच्चे आज पहली बार मेरे सेशन में जुड़ रहे हैं, फॉर ऑल ऑफ देम माय नेम इज प्रदीप सिंह, माय क्वालिफिकेशंस, इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टॉट सब आपके सामने है, लेकिन ये सारी की सारी चीजें सेकेंडरी हैं, प्राइमरी हैं तो सिर्फ आप हैं। इट इज बिकॉज ऑफ यू दैट आई एम हियर। और बच्चों मेरे सेशंस पसंद आते हैं आपको तो शेयर कर दिया करिए #NEET Live Daily के थ्रू अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, ताकि इस रेवोल्यूशन के बारे में हर एक बच्चे को पूरी कंट्री में पता चल जाए। अब बात करते हैं टेलीग्राम ऐप की। टेलीग्राम ऐप एक बहुत ही बेहतरीन ऐप है, इसको देख लीजिए बच्चों। सबसे पहले इसको इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल पर, देन गो टू एनी ब्राउजर और फिर वहां पर टाइप करेंगे tinyurl.com/NEET Live Chat और आप जैसे ही टाइप करेंगे इसको, यू विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस ग्रुप। आप इस ग्रुप के साथ जुड़ जाएंगे और बेनिफिट आपको है कि आपको सारे के सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, राइट? चलिए अब बात करते हैं एक और बेहतरीन फीचर, tinyurl.com/NEET Mobile। इससे फायदा ये है, से फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू रिव्यू द प्रीवियस लेक्चर्स, आप देखना चाहते हैं तो आप इसको टाइप करेंगे, ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आप बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों के तीनों एक्सेस कर सकते हैं, वो भी चैप्टर वाइज। देख रहे हैं एनिमल टिश्यूज, सचिन सर की फोटो भी आ रही है, लेक्चर वाइज है, लेक्चर 1, 2, 3। इसके साथ साथ आप यहीं से PDF नोट्स भी डाउनलोड कर पाएंगे। इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो मेरे सेशंस आपको दिख जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको थोड़ा बाद में पढ़ाना शुरू किया, तो सारे के सारे आपको यहीं पर दिख जाएंगे सारे लेक्चर्स और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं हमारी कंट्री के बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के थ्रू आप कंट्री का बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर होती हैं लाइव क्लासेस, बेस्ट एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री, सिर्फ इतना ही नहीं, द एजुकेटर्स ऑफ योर चॉइस, यानी कि जिनसे आप पढ़ना चाहते हैं उन एजुकेटर्स के थ्रू पढ़ सकते हैं आप। यू कैन ऑल्सो इंटरेक्ट विद द एजुकेटर। इसके अलावा लाइव पोल एंड लीडर बोर्ड के थ्रू आप देख सकते हैं आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, और टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस से परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, जहां पर आप अपने सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं एट अ प्लेस, राइट? एक और बैच स्टार्ट हो चुका है नीट 2021 के लिए, तो जो बच्चे नेक्स्ट ईयर नीट दे रहे हैं, नेक्स्ट ईयर के एस्पायरेंट्स हैं, वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सैटरडे संडे में पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। कुछ और कोर्सेज इस तरह के चल रहे होते हैं, 50 to 60 अदर कोर्सेज आर ऑल्सो रनिंग एट ए टाइम, राइट? तो देख लेते हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से जा करके करिए इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद ऑप्शन आएगा आपको प्लस, प्लस पर क्लिक करिए, प्लस के बाद आएगा नीट, इसके बाद क्लिक करिए गेट सब्सक्रिप्शन और आपको आ जाएगी सब्सक्रिप्शन प्राइसिंग। यहाँ पर आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से सब्सक्रिप्शन चूज कर सकते हैं और यूज़ करिए कोड प्रदीप लाइव अगर आपको मेरे सेशंस पसंद आते हैं, राइट? प्रदीप लाइव फॉर 10% डिस्काउंट, तो आपको इससे 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब एक बार क्विकली देख लेता हूँ कौन कौन से बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो बच्चों खुशी, सुम्बुल, मोहित, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का आज के इस सेशन में। और बच्चों सेशन में आखिरी तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आज देखने को मिलेंगी, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि कैसे करना है कॉन्जर्वेशन, राइट? तो पहले हम कल के टॉपिक पर ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी लॉसेस के बारे में हम बात कर रहे थे, उन लॉसेस को एक बार पहले देखेंगे, उसके बाद ही फिर हम आगे चल पाएंगे, राइट? गेटिंग द पॉइंट। चलिए शुरू कर देते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। जस्ट अ सेकेंड, ऑल राइट। तो बच्चों बस स्टार्ट, ओके। अर्शद, कीर्ति,
तो मैं आपका नाम नहीं विजिबल हो रहा था, तो मैंने कहा भाई नाम बिना देखे कैसे क्लास को शुरू करी जाए। भारत, हितेश, स्वागत है बच्चों आप सभी का। इसके अलावा शिखा हैं, रजिंदर हैं, सुमाया हैं, कीर्ति हैं, स्वामी ओके प्रभात हैं, श्वेता, दुर्गेश, थैंक यू फॉर ऑल द फ्लावर्स, हबीब, वैष्णवी, मुहाइमा, ओके प्रभात, आयशा, भरत, अर्शद, राइट, कीर्ति, ऑल राइट। चलिए बच्चों, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बायोडाइवर्सिटी देख लीजिए, पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है ये क्लिप, इसमें कई तरह की आपको बायोडाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। ये सब हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि इकोसिस्टम का बैलेंस बना रहता है इनसे, और अगर ये ना हो तो इकोसिस्टम का बैलेंस गड़बड़ा जाएगा, राइट। तो इसी क्रम में चलते हुए आगे हम देख लेते हैं ससेप्टिबिलिटी टू एक्सटिंक्शन, किस वजह से एक्सटिंक्ट होने के चांसेस कुछ में ज़्यादा होते हैं। देखिए एक और चीज़ हम चाहते हैं कि मच्छर सारे खत्म हो जाएं क्योंकि मच्छरों से हमें बहुत तकलीफ होती है, लेकिन वो नहीं खत्म हो रहे। इसके अलावा हम चाहते हैं कॉकरोचेज बिल्कुल ना रहें, लेकिन कॉकरोचेज रह रहे हैं, वो खत्म नहीं होते। पता नहीं ये कौन सा बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, हमारे लिए तो बड़े हानिकारक हैं, लेकिन ये भी हमारे साथ ही हैं, ये नहीं खत्म हो रहे। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम चाहते हैं कि ये रहें, लेकिन वो खत्म हुए जा रहे हैं। भाई किसको नहीं चाहिए कि काफी सारे टाइगर्स रहें, क्योंकि ह्यूमन के काम का ही है, टाइगर्स के पार्ट को सेल करते हैं, पैसे आते हैं। तो जो एटलीस्ट जो लोग इन ट्रेड्स में हैं, वो तो जरूर चाहेंगे कि ये जीव फ्लरिश करते रहें, लेकिन वो उसके लिए कुछ करते नहीं। या फिर हम यूं कहें कि कुछ रीजंस ऐसे हैं जिनकी वजह से ये एक्सटिंक्ट हुए जा रहे हैं, और मच्छर मक्खी जिनको हम नहीं चाहते वो एक्सटिंक्ट नहीं हो रहे। तो ससेप्टिबिलिटी टू एक्सटिंक्शन क्या है, यानी कि कौन कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से कुछ जीव ससेप्टिबल हैं एक्सटिंक्शन के लिए और कुछ बिल्कुल फ्लरिश करते हैं। तो देख लीजिए, अ स्पीशीज बिकम्स प्रोन टू एक्सटिंक्शन, यानी कि उसके एक्सटिंक्शन होने के चांसेस हैं ड्यू टू टू कैटेगरीज ऑफ एट्रीब्यूट। दो कैटेगरीज होती हैं जिनकी वजह से वो एक्सटिंक्शन की कगार पर आ सकते हैं, वो कौन कौन से हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस एंड पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। पॉपुलेशन कितनी है इसके ऊपर डिपेंड करता है, और एनवायरमेंटल चेंजेस कैसे हैं। तो एनवायरमेंटल चेंजेस अगर हो रहे हैं तो वो भी मैन मेड हो सकते हैं, क्योंकि हमारी वजह से भी एनवायरमेंट चेंज हो रहा है। इसके अलावा पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक, उनकी पॉपुलेशन कितनी तादाद में बढ़ रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नाउ पॉपुलेशन ट्रेट विच मेक अ स्पीशीज ससेप्टिबल टू एक्सटिंक्शन आर, अब देख लेते हैं पॉपुलेशन के वो कौन कौन से बिंदु हैं जिनकी वजह से कोई एक पर्टिकुलर प्रजाति वल्नरेबल हो जाती है, ससेप्टिबल हो जाती है, एक्सटिंक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए बच्चे, पहले पॉइंट है लार्ज बॉडी साइज। लार्ज बॉडी साइज वाले ऑर्गेनिजम्स के एक्सटिंक्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि इनको फूड ज्यादा चाहिए, इनको जगह ज्यादा चाहिए, दूर से विजिबल हो जाते हैं, पोचर्स को भी बड़ी दूर से नजर आ जाते हैं। तो लार्ज बॉडी साइज वाले ऑर्गेनिजम्स जैसे कि एलिफेंट हो गया, राइनोसेरस हो गया, बंगाल टाइगर हो गया, लायन हो गया, ये सारे के सारे, इनको जो है खतरा ज्यादा रहता है एक्सटिंक्शन का। दूसरा सेकेंड पॉइंट इज स्मॉल पॉपुलेशन साइज, अगर तादाद इनका नंबर कम होगा, पॉपुलेशन साइज छोटी है ऑर्गेनिजम्स की, तो भी ससेप्टिबल हैं, क्योंकि थोड़े से बचे हैं, थोड़े से और मर गए तो बात खत्म हो गई। इसके बाद है लो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, कुछ ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट नहीं होता, मच्छर और मक्खियों में रिप्रोडक्शन कितना फास्ट होता है, एक बार बारिश हुई मच्छर बढ़ गए, होता कि नहीं होता। नाउ कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें रिप्रोडक्शन बड़ा स्लो है, एक बार और देख लेता हूं कौन कौन से बच्चे हैं, योगेश, स्मिता, स्वर्निवा, राइट, स्वर्नाभा भी हैं, स्वर्निवा भी हैं, बहुत बढ़िया। सो दो बच्चे हैं एक ही नाम से लगभग, ओके। इसके अलावा जो है सना है, समीरा है, योगेश हैं। चलिए बच्चों, और लाइक्स आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें आज बताने वाला हूं, तो लाइक्स का रेशियो बढ़ाते रहिए, राइट। तो आज के सेशन में लाइक्स का टारगेट है 300, उतना तो अचीव होना ही है, राइट। चलिए बच्चों देख लेते हैं, तो लो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल काफी लो है, जैसे कि ब्लू व्हेल हो गई, ब्लू व्हेल में रिप्रोडक्शन बड़ा स्लो रेट में चलता है। इसके अलावा जायंट पांडा, पांडा जो है WWF के सिंबल में भी यूज किया जाता है, एनिमल, चाइना का नेशनल एनिमल है। तो जायंट पांडा, ब्लू व्हेल, इनमें लो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल होता है, अब अगर इनको किल कर दिया गया तो इनके एक्सटिंक्शन के खतरे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा
हायर स्टेटस ऑफ ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक लेवल पर ज़्यादा ऊंचाई पर हैं, बीच में कोई भी फूड चेन डिसरप्ट हुआ इनको दिक्कत हो जाती है, क्योंकि फिर इनको खाना मिलना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि बॉल्ड ईगल ले लीजिए, ये देख लीजिए बॉल्ड ईगल जो कि अमेरिका का नेशनल बर्ड है, बंगाल टाइगर, गेटिंग द पॉइंट, ये सब टॉप उस पर आते हैं स्टेटस ऑफ ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल आप ऑलरेडी जानते हैं। फिक्स्ड माइग्रेटरी रूट एंड हैबिटेट, एक ही पर्टिकुलर रूट से माइग्रेट करते हैं और एक ही हैबिटेट में रहना चाहते हैं। अब इनके लिए दिक्कत ये है कि अगर जिस रूट में माइग्रेशन कर रहे हैं, जहां से जहां जा रहे हैं, वहां पर हैबिटेट में कुछ चेंज हो गई तो फिर दिक्कत है। सेम रूट चाहिए, सेम हैबिटेट चाहिए, अल्टरनेट रूट नहीं ले सकते। एग्जांपल हो गई ब्लू व्हेल हो गया, वूपिंग क्रेन हो गए, ये देखिए ब्लू व्हेल, वूपिंग क्रेन, ये सारे जो हैं, तो ये कुछ रीजन हो गए कि इस वजह से ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाती है, राइट। अब एक और पॉइंट देख लेते हैं, नैरो रेंज डिस्ट्रीब्यूशन और स्मॉल ज्योग्राफिकल रेंज, थोड़े से इलाके में पाए जाते हैं और कहीं पाए ही नहीं जाते, उस इलाके में कुछ डिसरप्शन हुआ, काम खत्म हो गया। ये देख लीजिए वुडलैंड कैरिबो, कैरिबो जो है ना नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, ये वुडलैंड कैरिबो जो है उसी छोटे से इलाके में रहते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े इलाके में नहीं है, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो नैरो रेंज डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्मॉल ज्योग्राफिकल रेंज में होने की वजह से खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा आइलैंड स्पीशीज, बच्चों आइलैंड, किसी भी आइलैंड में रहने वाली जो प्रजातियां हैं उनको खतरा ज़्यादा रहता है, क्योंकि आइलैंड ऑलरेडी छोटी सी जगह होती है, एक छोटा सा टापू, उसके ऊपर जो है जो थोड़े से प्रजातियां हैं उनको अगर कुछ भी हार्म हुआ तो ख़त्म। इसके बाद लैक ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, यानी कि कल हमने बात करी थी टाइगर की पॉपुलेशन से रिलेटेड, कि अगर टाइगर की पॉपुलेशन बहुत कम हो जाएगी तो जीन पूल कम हो जाएगा, यानी कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन आएगी, इसकी वजह से भी उनकी तादाद घट जाएगी, राइट। इसके अलावा इनएबिलिटी टू स्विच ओवर टू अल्टरनेट फूड, यानी कि एक खाना खत्म हो गया तो दूसरा खाना खाने की हैबिट नहीं है, तो बहुत मुश्किल है। मैं नॉर्थ से साउथ आया तो मुझे फूड हैबिट थोड़ी सी अल्टर करनी पड़ी, अगर मैं नहीं कर पाता तो मेरे लिए रहना शायद मुश्किल होता है ना। तो ये कुछ एनिमल्स हैं जो इन चीज़ों को नहीं संभाल पाते, दे के नॉट इनेबल चेंज टू देयर ऑल्टरनेट फूड, यानी कि घास ना मिले तो पत्ती खा लें, तो ऐसा हो सकता है कि ना कर पाएं कुछ ऑर्गेनिज्म, उनको घास ही चाहिए, पत्तियों से उतना पेट नहीं भरता, राइट। तो ये कुछ रीज़न है बच्चों जिसकी वजह से ये ससेप्टिबल हो जाते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन का मतलब है किस तरह से खात्मा हो सकता है। ये तो ससेप्टिबिलिटी वाली बात होगी कि कौन कौन खत्म होने के कगार पर पहुंच सकता है, क्या क्या कारण होते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सटिंक्शन, किस तरह से एक्सटिंक्शन हो सकते हैं। एक्सटिंक्शन यानी कि चांसेस नहीं, खत्म ही हो गए। ये देख लीजिए फॉसिल्स, डायनासोर्स के फॉसिल्स मिले हैं, काफ़ी साल पहले होते थे, करोड़ों साल पहले, राइट, 65 मिलियन ईयर्स अगो। तो डायनासोर होते थे, वो मर गए हैं सारे के सारे, कैसे एक्सटिंक्ट हुए ये देख लेते हैं। एक्सटिंक्शन तीन तरह के होते हैं बेटे, नेचुरल एक्सटिंक्शन होता है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर किसी का जोर नहीं है, मास एक्सटिंक्शन, मास एक्सटिंक्शन भी प्राकृतिक हो सकता है और ह्यूमन की वजह से भी हो सकता है, लेकिन जो ह्यूमन कॉज्ड है उसका नाम दिया जाता है एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब है ह्यूमन मेड एक्सटिंक्शंस, तो नेचुरल एक्सटिंक्शन कुछ नहीं किया जा सकता, मास एक्सटिंक्शन कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन को जरूर किया जा सकता और करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत फास्ट हो रहा है, बाकी दोनों इतने फास्ट नहीं काम करते, हजारों लाखों सालों में काम करता है वो, राइट। तो अब देख लेते हैं नेचुरल एक्सटिंक्शन क्या होता है। नेचुरल एक्सटिंक्शन इज अ स्लो प्रोसेस, ये बड़ा ही स्लो प्रोसेस है नेचुरल एक्सटिंक्शन। आपने चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी पढ़ी हुई है ना, तो उसमें क्या बताया गया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उसका एक सार निकल करके आया, यानी कि ऑर्गेनिज्म वही सर्वाइव कर पाते हैं जो नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरते हैं, है ना। तो नेचुरल एक्सटिंक्शन इज अ स्लो प्रोसेस बाय विच एग्जिस्टिंग स्पीशीज आर रिप्लेस्ड विद अ बेटर एडाप्टेड स्पीशीज ड्यू टू इवोल्यूशन। नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस, नेचर खुद ही सिलेक्ट कर लेता है कौन सी बेटर स्पीशीज है और वही इवॉल्व कर जाता है, यानी कि इवोल्यूशनरी प्रोसेस में। देख लीजिए ह्यूमन इवोल्यूशन से बढ़िया एग्जांपल क्या दे सकते हैं अभी, तो देख लीजिए किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है। तो क्या अब ये जो हमारे कॉमन रीसेंट कॉमन एंसेस्टर्स थे वो नहीं है, उनसे मिलते जुलते हैं, यानी कि हमारा जो पूर्वज है वो बिल्कुल भी नहीं है, ये आपने इवोल्यूशन में पढ़ा हुआ है। कई बार कहते हैं ना कि आपके पूर्वज बंदर थे, तो मुझसे किसी ने कहा, मैंने कहा नहीं भाई मेरे पूर्वज बंदर नहीं थे, वो बंदर से मिलती जुलती कोई प्रजाति थी, वो अब नहीं है,
गेटिंग द पॉइंट? तो ये बिल्कुल मत मानिएगा कि अगर कोई कह दे कि आपके पूर्वज बंदर थे, नहीं भाई बंदर नहीं थे, बंदर से मिलती जुलती एक प्रजाति थी जहाँ से बंदर भी कॉमन है, जो मंकीज हैं, एप्स हैं, राइट, यानी कि ग्रेट एप्स हमारे ज़्यादा नज़दीक हैं, जैसे कि ओरेंगुटन हो गया, हुलूक हो गया, गिबॉन हुलूक इंडिया में पाया जाता है, इसके अलावा चिंपैंजीज, ये ज़्यादा नज़दीक है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इवोल्यूशन चैप्टर में, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यानी कि नेचुरल एक्सटिंक्शन तो नेचर का प्रोसेस है, धीमे धीमे एक्सटिंक्शन होता ही होता है। नाउ अ स्मॉल पॉपुलेशन इज मोर लाइकली टू बिकम एक्सटिंक्ट सूनर देन द लार्ज पॉपुलेशन ड्यू टू इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। वही पॉइंट आ गया जो हमने टाइगर के बारे में बात करी थी कि अगर छोटी पॉपुलेशन है तो उसके एक्सटिंक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, है ना। एंड ड्यूरिंग अनफेवरेबल पीरियड लाइक ड्रॉट, कहीं सूखा पड़ गया, छोटी सी पॉपुलेशन है, खत्म हो गए सारे के सारे। ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन है, कुछ बच गए, है ना। हार्श विंटर, बहुत ज़्यादा सर्दियों वाली जो है महीने आ गए, बहुत ज़्यादा कड़ाके की सर्दी पड़ गई, छोटी पॉपुलेशन के ऑर्गेनिज्म है, खत्म हो गए। सीवियर समर, बहुत ज़्यादा जो है गर्मी पड़ गई, या ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ गया, है ना, सूखा भी बड़ा खतरनाक होता है, ड्रॉट। तो ये है नेचुरल एक्सटिंक्शन के रीजन। अब बात करते हैं मास एक्सटिंक्शन। मास एक्सटिंक्शन क्या होता है? एक साथ सारे के सारे प्राणी विलुप्त हो जाते हैं। अगेन ये ह्यूमन कॉज भी हो सकता है, अगर हमने कोई बड़ा सा बॉम्ब फोड़ दिया अर्थ में जिससे पूरी की पूरी अर्थ खत्म हो सकती है, हो सकता है कि नहीं, तो मास एक्सटिंक्शन हो सकता है, लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं है। मास एक्सटिंक्शन जो है नेचुरली अर्थ में हो चुके हैं ऑलरेडी कई बार। अर्थ हैज एक्सपीरियंस्ड 5 मास एक्सटिंक्शन। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है नीट में कि भाई अगला एक्सटिंक्शन कौन सा हो सकता है, तो 6th मास एक्सटिंक्शन होगा अगर अब होगा तो। इस पर क्वेश्चन भी आता है कि क्या 6th मास एक्सटिंक्शन ह्यूमन कॉज्ड होगा, नो वन नोज। So Earth has experienced 5 mass extinction due to environmental catastrophe. Catastrophe का मतलब है बहुत ही बड़ा कोई environmental change हो जाता है जिसकी वजह से extinction हो गया। So mass extinction, कुछ mass extinction के बारे में बात कर लेते हैं। एक mass extinction हुआ था 225 million years ago, 225 million years ago, right? यानी कि करीब 22 करोड़ साल पहले। Getting the point? 225 million years ago, when 90% of shallow water marine invertebrate disappeared. 225 million साल पहले एक mass extinction हुआ था जिसमें 90% shallow water यानी कि कम गहराई के पानी में पाए जाने वाले समंदर के invertebrate, जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती, वो marine invertebrate 225 million years ago डिसअपीयर हो गए थे 90%। तो जो 10% बचे उन्हीं की लीनियज से फिर बाकी के आए। इसके बाद अनादर मास एक्सटिंक्शन जो कि रीसेंट है, अनादर मास एक्सटिंक्शन जो कि रीसेंट है, क्रिटेशियस एंड टर्शियरी पीरियड के वक्त हुआ था, कितने साल पहले, अराउंड 60 मिलियन ईयर्स अगो, 60-65 मिलियन ईयर्स अगो बोला जाता है, जब डायनासोर्स हमारी धरती से विलुप्त हो गए। डायनासोर्स देख लीजिए, इनके फॉसिल्स अगर ना मिले होते तो हमें तो पता भी नहीं चलता कि धरती पर ऐसा कोई विशालकाय जीव भी घूमता था या विचरण करता था, पता ही नहीं चलता। तो थैंक्स टू द साइंटिस्ट एंड ऑल दोज इन्वेस्टिगेटरी प्रोसेसेस जिन्होंने इस चीज को आसान बना दिया हमारे लिए। तो ये हो गया मास एक्सटिंक्शन। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन, यानी कि ह्यूमन के द्वारा कॉज किया हुआ एक्सटिंक्शन। सो दे आर एक्सटिंक्शंस कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं? लाइक सेटलमेंट, हम अपनी बस्तियां बनाते हैं और दूसरे जीवों की बस्तियों को उजाड़ देते हैं। इसके अलावा हंटिंग, शिकार, इसके अलावा ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन में हमने देख लिया पैसेंजर पिजन था, स्टेलर सी काऊ थी, एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, उनके जो है हैबिटेट को ही नुकसान कर दिया। तो एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन हो गया। अब क्या है कि हमें रियलाइज भी हुआ इस चीज़ के बारे में, इस एक्सटिंक्शन के बारे में, और कुछ इंटरनेशनल बॉडीज भी बनी, जैसे कि IUCN, IUCN का गठन हुआ। IUCN इज एन इंटरनेशनल बॉडी जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, नीट में आने के चांसेस रहते हैं, इस तरह के जो भी एब्रिविएशंस होते हैं उनके फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं। सो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इन्होंने, इस ऑर्गेनाइजेशन ने 2004 में पब्लिश किया। सो पब्लिश्ड इन 2004
क्या पब्लिश किया, बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग पब्लिश करी कि पिछले 500 सालों में, पिछले 500 सालों में अर्थ हैज लॉस्ट 784 स्पीशीज, लास्ट 500 ईयर में 784 स्पीशीज लॉस्ट हो चुकी हैं पिछले 500 सालों में. सब में हमारा योगदान उतना नहीं रहा तो लॉस्ट हो चुकी, इंक्लूडिंग कौन कौन से लॉस्ट हुए, 338 वर्टिब्रेट लॉस्ट हो गए हैं, इसके अलावा 359 इनवर्टिब्रेट लॉस्ट हो गए हैं, इसके अलावा 87 प्लांट लॉस्ट हो गए, मतलब खत्म हो गए, अब है ही नहीं, कम नहीं हुए, खतरे में नहीं है, खत्म हो गए. लेकिन पिछले दो दशकों में, यानी कि 20 वर्षों में, पिछले 20 वर्षों में, 2004 की फाइंडिंग है ये, 2004 से 20 साल आप लगा लीजिए पीछे के, तो इन द लास्ट टू डिकेड 27 स्पीशीज हैव बिकम एक्सटिंक्ट, सिर्फ 20 सालों में 27 स्पीशीज लॉस्ट हो गई. कहां 500 ईयर्स में आप देख लीजिए 784 स्पीशीज लॉस्ट हुई थी, और यहां सिर्फ 20 सालों में, ओनली 20 ईयर्स में 27 स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट. कितनी जल्दी ये घट गई घटना. हाँ, अगर आप कंपेयर करें कि रेट ऑफ एक्सटिंक्शन 500 ईयर्स वर्सेस 784 whereas 20 years versus 27, तो आपको समझ में आ जाएगा, यानी कि हर साल एक से ज्यादा प्रजाति को हमने लुप्त किया है पिछले 20 सालों में 2004 के हिसाब से. अब तो बहुत ज्यादा सिचुएशन क्रिटिकल है. इसमें सबसे ज्यादा एम्फीबियंस को एक्सटिंक्शन का रिस्क है आज की डेट में. एम्फीबियंस आर एट हाईएस्ट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन. इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, कल के सेशन में भी हमने डिस्कस किया था. करंटली आज की डेट में अराउंड 15,500 स्पीशीज वर्ल्ड वाइड आर थ्रेटेंड, 15,000 प्रजातियां खतरे में हैं, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को मिलाकर के 15,500 प्रजातियां खतरे में हैं पूरे विश्व में से. इनमें सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, लेकिन नंबर की बात नहीं हो रही, ये टाइप की बात हो रही है, प्रजातियों की बात हो रही, स्पीशीज की बात हो रही. तो इतनी सारी स्पीशीज खतरे में है. अब जब खतरे में है तो खतरे का निशान होता है लाल, सबको पता है रेड इज द साइन ऑफ डेंजर. तो रेड कलर को यूज करके देख लीजिए, रेड डेटा बुक बनाई गई है ना, IUCN ने एक रेड डेटा बुक को पब्लिश किया, शुरू किया. तो बात कर लेते हैं उस रेड डेटा बुक के बारे में. IUCN हैज इट हेडक्वार्टर्स एट मॉर्जेज स्विट्जरलैंड में, इनका हेडक्वार्टर है ना IUCN का. अब इसके बाद अब ये क्या करते हैं, इट मेंटेन्स अ रेड डेटा बुक और रेड लिस्ट बनाते हैं विच इज अ कैटलॉग ऑफ टैक्सा फेसिंग रिस्क ऑफ एक्सटेंशन. जिस भी टैक्सोनॉमी कैटेगरी को रिस्क रहता है, खतरा है, उसकी लिस्ट ये जारी करते हैं ताकि अगर हम हो सके तो बचा लें, है ना. रेड डेटा बुक और रेड लिस्ट वॉज इनिशिएटेड इन 1963 से ये आ रहा है. रेड डेटा बुक या रेड लिस्ट इस ईयर को अगर हो सके तो जरूर याद रखिए, 1963. इसमें अलग अलग टाइप की जो है लिस्ट छपती हैं, जैसे ये IUCN इनवर्टिब्रेट रेड डेटा बुक, इसी तरह से वर्टिब्रेट का भी है, मैमल्स का भी है, अलग अलग कंट्री के हिसाब से भी है, लेकिन फ्रंट पेज ऐसे लाल ही होता है. सो ये रही रेड डेटा बुक. इसमें किसका है, ये एक है इनवर्टिब्रेट रेड डेटा बुक है, राइट. नाउ 2000 की रेड डेटा बुक, यानी कि आज से 20 ईयर्स पहले की बात बता रहा हूं. द 2000 रेड लिस्ट मेड असेसमेंट ऑफ 18,000 स्पीशीज. 2000 की, अब हर स्पीशीज को नहीं काउंट किया जाता इसमें, जो लगता है कि ये खतरे में है उसका असेसमेंट किया जाता है, जिसकी संख्या कम हो रही होती है. अगर हर स्पीशीज का असेसमेंट करने लगेंगे तो फिर वो 17 से 18 लाख स्पीशीज की लिस्ट निकालनी पड़ेगी. इन्होंने सन 2000 में 18,000 स्पीशीज को एनालाइज किया, 18,000 स्पीशीज को उठा, 18,000 भी कम नहीं होता, स्पीशीज को लिया, और उनमें से पाया कि 11,096 स्पीशीज आर ऑन द थ्रेटेंड लिस्ट वर्ल्ड वाइड. सारी दुनिया में ये खतरे में है. 18,000 में से 11,000 प्रजातियां खतरे में है, जिसमें देख लीजिए 5485 एनिमल्स हैं और इतने प्लांट्स हैं. ये डेटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डेटा मैंने इंक्लूड किया आपको डिग्री दिखाने के लिए कि कितना ज्यादा खतरा है आज की डेट पर. अब देख लेते हैं कि भाई 2004 में, चार सालों के बाद इन्होंने फिर एक असेसमेंट किया. सो नंबर ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज जो 11,000 कुछ थी, वो सिर्फ चार सालों में, महज चार सालों में 15,500 हो गई जो खतरे में है, और 2011 के सेंसस में 17,291 हो गई. यानी कि इतनी सारी स्पीशीज खतरे में, यानी कि खतरा सबका बढ़ रहा है. एक्चुअली खतरा सबका नहीं बढ़ रहा, खतरा हमारा अपना बढ़ रहा है, ये जरूर ध्यान रहे हर वक्त.
द पर्पज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ रेड लिस्ट. अब रेड लिस्ट को बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है ये समझ लिया जाए. प्रोवाइड अवेयरनेस टू द डिग्री ऑफ थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी. कितने डिग्री का खतरा है ये देखने के लिए बहुत जरूरी है, अवेयरनेस होनी चाहिए, तभी मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ. इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए और डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए. स्पीशीज एट हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, जिन स्पीशीज को ज्यादा खतरा है उनका असेसमेंट होना चाहिए, डॉक्यूमेंट होना चाहिए. पता लगा कि हमें पता ही नहीं है कौन सी स्पीशीज खत्म हो रही है, यानी कि वी डोंट केयर, बट वी हैव टू केयर एंड वी डू केयर. हम केयर करते हैं, ऐसा नहीं, हम में से सब नहीं करते, लेकिन हाँ कुछ लोग जरूर करते हैं. 2-5% पॉपुलेशन तो लगी हुई है इस धरती को बचाने में. पता नहीं आप किस कैटेगरी में आते हैं. नाउ प्रिपेयरिंग कॉन्जर्वेशन वेज एंड हेल्प इन कॉन्जर्वेशन एक्शन, यानी कि रेड डेटा बुक होगी, रेड लिस्ट होगी, तो हम कॉन्जर्वेशन वेज, कॉन्जर्वेशन के तरीके ईजाद करेंगे और फिर एक्शन ले सकते हैं, कॉन्जर्वेशन एक्शन ले सकते हैं. देख लीजिए ये जीव इंतजार कर रहे हैं हमारे जैसे किसी इंसान का इनकी मदद के लिए आगे आए. अफ्रीका में एक जेंटलमैन है, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि कुछ इलाके में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है और वो वाटर टैंकर लेकर के जाते हैं. उस वाटर टैंकर को देखते ही वहाँ के जंगली जीव जो हैं, जंगली जानवर पीछा करते हैं. जहाँ वाटर टैंकर रुकता है, जहाँ उसकी जो है नल खुलता है, सारे के सारे पानी के पूल में अपने आप को वो करते हैं. यानी कि आप सोच लीजिए जंगली जीव भी समझते ज़रूर हैं इन चीज़ों को, है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं रेड डेटा बुक में जो लिस्ट है वो लिस्ट कैसे कैसे मेंटेन करी जाती है. सो रेड लिस्ट हैज 8 कैटेगरीज ऑफ स्पीशीज, 8 कैटेगरीज हैं. सबसे पहली है एक्सटिंक्ट, जो खत्म हो चुकी है. सो द टैक्सन हैज बीन कंप्लीटली एलिमिनेटेड और डाइड फ्रॉम द अर्थ, यानी कि मर चुकी है ये प्रजाति. जैसे कि डोडो, डोडो देख लीजिए, अब ये डोडो नहीं रही हमारी धरती पर, मॉरिशस में होती थी पहले, अभी भी मॉरिशस का नेशनल बर्ड बोलते हैं इसको, पता नहीं कैसे रखा हुआ उन्होंने. ओके, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, यानी कि जंगल में खत्म हो चुकी है प्रजाति, लेकिन हो सकता है उसकी कुछ मेंबर्स को या तो चिड़ियाघर में या हमने पेट के फॉर्म में कहीं ना कहीं प्रिजर्व करके रखा हुआ, लेकिन नेचुरल हैबिटेट में या वाइल्ड में एक्सटिंक्ट हो चुका है. सो एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड इज सेकेंड कैटेगरी. द टैक्सन इज एबसेंट इन एनी ऑफ इट नेचुरल और एक्सपेक्टेड हैबिटेट इन द वाइल्ड, जिस हैबिटेट में होना चाहिए था या नेचुरल, वहां से विलुप्त हो चुका है. ए नंबर ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट हैव बिकम एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड. हमारे काफ़ी सारे डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स जिनको हम अपने घरों के आसपास लगाते हैं वो जंगलों में नहीं पाए जाते, यानी कि उनको भी खतरा है, अगर हम उनको कल्टीवेट ना करें तो वो वाइल्ड में नहीं मिलेंगे. चलिए ये तो हो गया एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, फिर भी हैं अभी. लेकिन अब इसके बाद आ गया क्रिटिकली इनडेंजर्ड, बहुत ही खतरे में हैं, ज़्यादा खतरे में हैं, क्रिटिकली इनडेंजर्ड. टैक्सन इज फेसिंग वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड एंड कैन बिकम एक्सटिंक्ट एनी मोमेंट इन द इमीडिएट फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर में कभी भी ये विलुप्त हो सकता है. नाउ द नंबर वर्ल्ड वाइड इज 925 एनिमल का नंबर है, 925 एनिमल्स एंड 1014 प्लांट, है ना, 925 एनिमल और 1014 प्लांट. यानी कि अगर हम बात करें परसेंटेज की तो 10% मैमल, 9% बर्ड, 15% रेप्टाइल, 16% एम्फीबियन एंड 16% एंजियोस्पर्म क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं. नंबर ऑफ क्रिटिकली इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट इन इंडिया इज 18 एंड 44 रेस्पेक्टिवली. यानी कि हमारी कंट्री में 18 एनिमल्स हैं जिनको खतरा है और इसके अलावा 44 प्लांट्स हैं जिनको खतरा है, जिसमें से कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं. पिग्मी हॉग, सुस सेल्वेनियस, एक छोटा प्रकार का पिग है, देख लीजिए ये पिग्मी हॉग, छोटी साइज का होता है पिग, इसको खतरा है. इसके बाद है बारबेरिस नीलगिरेंसिस, देख लीजिए ये एक पौधा है, फ्लावरिंग प्लांट है, ये नीलगिरीज में पाया जाता है. बारबेरिस है ना, इटैलिक्स में है तो अंडरलाइन कोई ज़रूरी नहीं है, बट हैंड रिटन में आप हमेशा साइंटिफिक नेम को अंडरलाइन करेंगे. नीलगिरेंसिस, राइट, सी हैव अ लुक, खतरे में है. इसके अलावा सेरासिनिया ओरियोफाइला, ये रहा, एक तरह का पिचर प्लांट है, इसको ग्रीन पिचर प्लांट भी बोलते हैं, सेरासिनिया ओरियोफाइला को ग्रीन पिचर प्लांट भी बोला जाता है, इसको भी खतरा है. निपेंथिस नहीं, निपेंथिस खासियाना को इतना खतरा नहीं है, बट दिस वन इज मोर क्रिटिकली इंडेंजर्ड. समझ में आ गई बात, तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट. अब बात करते हैं इंडेंजर्ड की. क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गए, अब इंडेंजर्ड यानी कि वो ज्यादा खतरे में थे, अब ये थोड़ा सा उससे कम खतरे में. इंडेंजर्ड
it is facing a high risk of extinction in the wild in the near future due to decrease in its habitat. इनके रहने के जगह कम हो चुकी हैं. Excessive predation और poaching, बहुत ज़्यादा शिकार होता है, kill कर देते हैं. Predation, predation यानी कि इनका शिकार खाने के लिए जो predators करते हैं, और poaching का मतलब है जो human इनको मारते हैं, है ना, तस्करी करने के लिए. Now, percentage number of endangered species in the list of threatened one is 19% mammal हैं endangered वाली list में, 17% bird हैं, 21% reptile हैं, 22% amphibian हैं और 19% angiosperms हैं. तो देख लीजिए amphibian, amphibian को वैसे भी सबसे ज़्यादा खतरा है. Amphibians and reptiles, ये देख लीजिए, ये एक अजगर है, python, इनको भी खतरा है क्योंकि 21% reptiles खतरे में हैं. Right? In India, their number is 54 animals and 113 birds, जो खतरे में हैं. अब इसमें देख लेते हैं, Ailurus fulgens, यानी कि red panda. अब question है कि panda तो China में पाया जाता है, लेकिन ये red panda eastern Himalayas में पाया जाता है. यानी कि हमारे देश के जो पूर्वोत्तर हिस्से हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, वहाँ ये पाया जाता है. So this is Ailurus fulgens, red panda. इसके बाद है Bentinckia nicobarica. Bentinckia nicobarica एक देख लीजिए कोकोनट प्रजाति का पेड़ है, कोकोनट से मिलता जुलता है. ये सिर्फ अंडमान निकोबार में पाया जाता है, वहीं का एंडेमिक भी है, तो इसको भी खतरा है, एंडेंजर्ड है. सम अदर एग्जाम्पल्स आर ब्लू वेल को खतरा है, एशियाटिक वाइल्ड एस रेस्ट्रिक्टेड टू रन ऑफ कच्छ. रन ऑफ कच्छ गुजरात का हिस्सा है, वहाँ पर एक एशियाटिक जो है वाइल्ड एस पाया जाता है, उसको भी खतरा है. लायन टेल्ड मैकॉक फॉरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया विथ टोटल नंबर ऑफ ओनली 195. लायन टेल्ड मैकॉक जू में देखने को मिलता है, लेकिन वाइल्ड में कितने बचे हैं, 195. जू में भी अगर मिला लें तो भी इससे ज़्यादा नहीं होंगे, तो यानी कि बच्चों बहुत खतरा है इसको. 195 रह गए हैं, फॉरेस्ट्स ऑफ साउथ इंडिया में पाए जाते हैं. राइट, अब बात कर लेते हैं वल्नरेबल. वल्नरेबल या डिप्लीटेड स्पीशीज, कम हो रही है प्रजाति, लेकिन इतना ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी खतरा है. प्रेजेंटली द पॉपुलेशन इज सफिशियंट, अभी पॉपुलेशन सफिशियंट है, बट फेसिंग रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन मीडियम टर्म फ्यूचर. एक इमीडिएट फ्यूचर में नहीं, थोड़े आगे चल के थोड़े टाइम के बाद इनको दिक्कत आ सकती. आउट ऑफ द टोटल थ्रेटेंड स्पीशीज 34 to 51% आर वल्नरेबल. 34% मैमल्स, 36% बर्ड, 43% रेप्टाइल, 48% एम्फीबियन, 51% एंजियोस्पर्म. इन इंडिया देयर टोटल नंबर इज 143 एनिमल्स एंड 87 प्लांट. कुछ एग्जांपल देख लेते हैं. एंटीलोप सर्वी कैपरा, ब्लैक बक, ब्लैक बक जिसको बिश्नोई कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा वो करती, अमृता देवी बिश्नोई का नाम आपने सुना हुआ है, तो बिश्नोई कम्युनिटी इन राजस्थान, दे वर्शिप दिस ब्लैक बक, इसको वर्शिप करते हैं, और कोई भी अगर इसको मारे तो वो इसको उनको छोड़ेंगे नहीं. राइट, इसके अलावा देख लीजिए क्यूप्रेसस कैश्मीरियाना, एक प्लांट होता है क्यूप्रेसस कैश्मीरियाना, हिल एरियाज में पाया जाता है, और वो भी यानी कि वल्नरेबल है, काफी ज्यादा डिप्लीशन हो चुका है. अब बात करते हैं लोअर रिस्क. ऐसे कई हैं जिनको रिस्क कम है. सो दे आर थ्रेटेंड स्पीशीज विच हैव लोअर रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन एंड देयरफॉर रिक्वायर स्मॉल अटेंशन टू बिकम नॉर्मल फ्लरिशिंग स्पीशीज. थोड़ी सी अटेंशन देने से ये नॉर्मल आ जाएंगे. परसेंटेज ऑफ लोअर रिस्क इज 37% मैमल, 38% बर्ड, 21% रेप्टाइल, 16% एम्फीबियन, 14% एंजियोस्पर्म्स. इन इंडिया देयर नंबर इज 109 एनिमल, 73 प्लांट स्पीशीज. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना, आउट ऑफ दीज फोर कैटेगरीज, ये जो आपने लास्ट फोर कैटेगरीज पढ़ी, इनमें जो है स्पीशीज दैट आर इंक्लूडेड अंडर थ्रेटेंड स्पीशीज, थ्रेटेंड स्पीशीज में जो आते हैं वो हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल एंड लोअर रिस्क स्पीशीज. समझ में आ गई बात? तो जिनको इंक्लूड किया जाता है थ्रेटेंड, जो खतरे में हैं, वो ये रहे. सो यू गॉट इट कि रेड डेटा बुक क्या काम करती है. चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं. अब बात करते हैं रीजंस फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी. एक रीजन तो हमने पहले पढ़ लिया था कि भाई नेचर का बैलेंस बिगड़ जाएगा, इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा, लेकिन अब हम इनको अपनी ज़रूरत के हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि नेचर का बैलेंस वो सिर्फ हमारी ज़रूरत नहीं है, पूरी धरती की ज़रूरत है, पूरी पृथ्वी की ज़रूरत. अब हम बात करते हैं अपने फ़ायदे की कि कैसे क्यों इनको प्रिजर्व करना चाहिए. देखिए बच्चों, नैरो यूटिलिटेरियन यानी कि हमने छोटे आयाम में सोचा, नैरो यूटिलिटेरियन है कि भाई फूड नहीं मिलेगा,
प्रजातियां खत्म हो जाएंगी तो हम खाएंगे क्या, फैट एंड ऑयल नहीं मिलेगा, ऑयल सीड खत्म हो गई तो कहां से मिलेगा ऑयल। इसके अलावा फायरवुड, जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिलेगी हमें, ये देख लीजिए लकड़ी, ये हो गया फूड मेडिसिन एक्सेट्रा, ये फैट एंड ऑयल। इसके अलावा फाइबर नहीं मिलेंगे, कॉटन नहीं होगा, गॉसिपियम हर्बेशियम, जूट नहीं होगा तो कैसे मिलेगा हमें फाइबर, तो फाइबर के लिए भी हमें प्लांट्स वगैरह की ज़रूरत है, सो फाइबर्स। इसके अलावा टिम्बर, टिम्बर यानी कि लकड़ी बहुत सारे कामों में आती है, देख लीजिए टिम्बर कटा हुआ है, सो ये टिम्बर। ये हो गया नैरो यूटिलिटेरियन, यानी कि छोटे दायरे की सोच, अब थोड़ा सा ब्रॉड दायरे की सोच भी ले आते हैं, ब्रॉड यूटिलिटेरियन। ब्रॉड यूटिलिटेरियन में क्या है भाई, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, सबसे बड़ी दिक्कत है। इसके अलावा क्लाइमेट रेगुलेशन नहीं होगा, क्लाइमेट चेंज होंगे, गर्मियां ज़्यादा पड़ेंगी, सर्दियां ज़्यादा पड़ेंगी, बारिश ज़्यादा होगी, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल कैसे होगा, ये भी नहीं हो सकता। इसके अलावा एक और बड़ा डिस्कशन चल रहा है, पॉलिनेशन कैसे होगा, पॉलिनेशन कैसे होगा, और माइक्रोबियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, हम जो रिसाइकल कर लेते हैं, देख लीजिए बच्चों, सो माइक्रोबियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कैसे होगा अगर माइक्रोब्स ही नहीं होंगे, तो ये ब्रॉडली यूटिलिटेरियन है, तो ये भी ज़रूरी है। तो ये हो गए हमारे रीजंस फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। अब बात करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन होता कैसे है, कैसे करना है। अब आ गए हैं आज के मेन टॉपिक के ऊपर, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। एक बार देख लेता हूँ कौन कौन से बच्चे जुड़े हुए हैं। स्वर्णिमा, सना, श्रवण, स्मिता, आराध्या, शिखा, भरत, श्रेष्ठा, बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का। और लाइक्स बढ़ना चाहिए, सीधी सी बात है, इट शुड बी मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट। देखिए बच्चों, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन दो तरह से होता है, इन सीटू कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। अब ये टर्म है क्या, इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब होता है जहां पर वो प्रजाति पाई जाती है, जहां फ्लरिश करती है उसी जगह पर उसको कंजर्व करना इन सीटू कंजर्वेशन कहलाता है। और अगर किसी उस जगह से ना कंजर्व करके, जहां पाई जाती वहां ना कंजर्व करके किसी और जगह हमने एक अलग जंगल बनवा दिया, एक अलग फॉरेस्ट बनवा दिया, ऐसा कुछ इंतजाम कर दिया, चिड़ियाघर बना दिया, कुछ कर दिया, तो वो एक्स सीटू कंजर्वेशन होगा, राइट। लेकिन अगर नेचुरल एनवायरनमेंट में उसको रखेंगे जहां पर वो पाया जाता है तो वो इन सीटू कंजर्वेशन ही कहलाता है, राइट। इन सीटू कंजर्वेशन को दो पार्ट में हम ब्रेक कर सकते हैं, एक है हॉटस्पॉट्स, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, और दूसरा है प्रोटेक्टेड एरियाज, प्रोटेक्टेड एरिया जहां पर गवर्नमेंट ने संरक्षण दे दिया कि भाई यहां के जीव जंतुओं को आप कुछ नहीं करेंगे, सो दैट बिकम्स प्रोटेक्टेड एरियाज। तो दो तरह से हो सकता है, एक तो हो सकता है हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, और दूसरा हो सकता है प्रोटेक्टेड एरियाज। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट तो एक पर्टिकुलर जोन हो गया, उसमें और कोई डिवीजन नहीं है, लेकिन प्रोटेक्टेड एरियाज में डिवीजन्स हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज में डिविजन्स हैं, देख लेते हैं कौन कौन से डिवीजन है। तो प्रोटेक्टेड एरियाज में बच्चों हो सकते हैं सेक्रेड फॉरेस्ट या ग्रोव्स या सेक्रेड लेक्स। सेक्रेड फॉरेस्ट का मतलब है जिनका कुछ धार्मिक महत्व है, जिनको वहां के लोग बहुत ज्यादा हाई एस्टीम में रखते हैं, तो वो सेक्रेड फॉरेस्ट हो गए। ऐसे बड़े सारे आदिवासी क्षेत्र हैं जहां पर आदिवासी उन जंगलों की पूजा करते हैं या उनको हाई रेस्पेक्ट देते हैं, उनको डैमेज नहीं करते, तो सेक्रेड फॉरेस्ट हो गए, सेक्रेड ग्रोव्स हो गए, सेक्रेड लेक्स हो गई। इसके अलावा अब गवर्नमेंट इंटरवेंशन से बायोस्फीयर रिजर्व्स बन गए हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स में ह्यूमन सेटलमेंट भी है आउटर फ्रिंजेस में। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में भी हम पढ़ेंगे आज के ही सेशन में कि कितना ज़्यादा डिटेल है। तो बायोस्फीयर रिजर्व में कोर जोन होता है, बफर जोन होता है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी बनाई जाती हैं। नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को फर्दर दो टाइप में ब्रेक किया जा सकता है। एक तो हो गया टेरिस्ट्रियल, जो आपके दिमाग में हमेशा आता है कि भाई नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो टेरिस्ट्रियल ही होंगी किसी जंगल के इलाके में, लेकिन बच्चों ये मैराइन भी होता है, समंदर वाले इलाकों में भी कंजर्वेशन किया जाता है, क्योंकि समंदर में भी हम बहुत सारी फिशिंग करते हैं। कल मैंने आपको दिखाया था ट्रॉलर्स कैसे मछलियों को लेकर के आते हैं समंदर में से। अब बात कर लेते हैं एक्स सीटू की। एक्स सीटू में देखिए बच्चों, सेक्रेड प्लांट या होम गार्डन, सेक्रेड प्लांट नॉट ग्रूव्स, आप किसी पेड़ की पूजा करते हैं उसको ले आए, जैसे पीपल प्लांट को रिलीजियस प्लांट बोला जाता है, फिकस रिलीजियोसा,
राइट right? तो जैसे तुलसी हो गया, लोग तुलसी भी लगाते हैं, ऑसिमम सैंक्टम भी लगाते हैं, कुछ लोग अरेबियन कंट्रीज में मेस्वाक का प्लांट लगाया जाता है क्योंकि जब रमजान का महीना होता है तो उसकी दातून वगैरह बनाई जाती है. आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली कि मेस्वाक ही है, बट ऐसा कुछ प्लांट है जिसकी दातून यूज होती है, तो वो सेक्रेट प्लांट हो गया, सेक्रेट प्लांट. और होम गार्डन, होम गार्डन, आपने घर में छोटा मोटा गार्डन बना रखा है, तो ये हो गया एक्सीटू कंजर्वेशन, क्योंकि वो जंगल से हटा करके अलग कहीं हो रहा है कल्टीवेशन. इसके अलावा सीड बैंक्स होते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन हो सकता है, सीड बैंक, आपने सीड को प्रिजर्व करके रख दिया, या फिर लिक्विड नाइट्रोजन में क्रायो प्रिजर्वेशन करके रख दिया, तो वो एक्सीटू हो गया. इसके अलावा बोटैनिकल गार्डन्स होते हैं जहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, और एर्बोरीटा होता है. एर्बोरीटा क्या होता है, जैसे आपने एक्वेरियम देखे हुए हैं, एक्वेरियम में पानी रहता है, उसी तरह से एक एर्बोरीटा बनाया जा सकता है जिसमें बर्ड वगैरह रहेंगी. इसके अलावा टेरारियम भी बनाया जा सकता है जो ड्राई लैंड मास को, जिसमें आप बरोइंग एनिमल्स को रख सकते हैं, छोटे मोटे कीट पतंगों को रख सकते हैं. तो बोटैनिकल गार्डन, एर्बोरीटा, जूलॉजिकल पार्क, एक्वेरिया जहां पर फिशेज वगैरह को रखा जाता है, ये सारे एक्सीटू में आ जाते हैं. आई होप दिस लिस्ट इज हेल्पफुल फॉर यू टू रिमेंबर. इस लिस्ट की मदद से आप सब कुछ डिफरेंशिएट कर पाएंगे कौन सा क्या है. अब आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं इन सीटू कॉन्जर्वेशन से, क्योंकि इन सीटू कॉन्जर्वेशन ही सबसे महत्वपूर्ण है. तो बात करते हैं इन सीटू कॉन्जर्वेशन की. इट इज कॉन्जर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द होल इकोसिस्टम and its biodiversity at all level in order to protect the threatened species. यानी कि पूरे के पूरे ecosystem को संभालना है, वो है in situ conservation. तो in situ conservation, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया, hotspot protected areas. Hotspot तो एक standalone हो गया, protected areas में sacred forest, sacred groves, sacred lakes, biosphere reserve, national park, wildlife sanctuaries, और वो टेरिस्ट्रियल भी हो सकते हैं, मैराइन भी हो सकते हैं. तो इनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं इन सीटू कॉन्जर्वेशन के थ्रू. चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं हॉटस्पॉट से, जिसको बायोडाइवर्सिटी या इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट भी बोला जाता है. तो देखिए बच्चों, इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स आर डिटरमाइंड बाई फोर फैक्टर. चार मेन फैक्टर के ऊपर डिटरमाइन किया जाता है हॉटस्पॉट को. ये चारों के चारों फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पता होना चाहिए किस वजह से नाम दिया गया हॉटस्पॉट. गर्मी ज्यादा होती है इस वजह से हॉटस्पॉट? नॉट एट ऑल. गर्मी का कोई लेना देना नहीं है, हॉटस्पॉट्स आर बिकॉज वहां पर प्रजातियां बहुत ज्यादा हैं. तो देख लेते हैं वो चारों पॉइंट. नंबर ऑफ स्पीशीज और स्पीशीज डाइवर्सिटी, कितनी प्रजातियां वहां पाई जाती हैं, कि स्पीशीज डाइवर्सिटी कितनी है, दैट इज वन डिटरमाइनिंग फैक्टर. ज्यादा स्पीशीज होंगी तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में गिना जाएगा. डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, डिग्री ऑफ एंडेमिज्म. अब ये एंडेमिज्म टर्म क्या है? एंडेमिज्म या एंडेमिक स्पीशीज, वो स्पीशीज है जो एक पर्टिकुलर एरिया को पाई जाती है. जैसे हिबिस्कस होशियारपुरेंसिस, मैंने आपको कई बार एग्जाम्पल दिया है, हिबिस्कस यानी कि चाइना रोज, हिबिस्कस होशियारपुरेंसिस सिर्फ होशियारपुर में पाया जाता है, पंजाब स्टेट में, हमारी कंट्री में. सो डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, दैट इज स्पीशीज कन्फाइंड टू दैट रीजियन एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स. ये स्पीशीज, ये प्रजाति और कहीं नहीं पाई जाएगी. अगर इस तरह की प्रजातियां ज्यादा हैं तो वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोला जाता है, एक दो प्रजाति से नहीं. नाउ डिग्री ऑफ थ्रेट टू हैबिटेट ड्यू टू इट्स डिग्रेडेशन एंड फ्रेगमेंटेशन. और अगर उस हैबिटेट को थ्रेट है, खतरा है, तो उसको हॉटस्पॉट घोषित करके कुछ कॉन्जर्वेशन किया जा सकता है. अगर हम उसके बारे में चर्चा ही नहीं करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं होगा. सो डिग्री ऑफ थ्रेट टू हैबिटेट, कितना ज़्यादा खतरा है. बहुत सारी प्रजातियां, जैसे हमारी कंट्री में वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट हमारे वेस्टर्न कॉरिडोर, वेस्टर्न पार्ट में पड़ता है कंट्री के, और वहां पर काफी बड़ी बड़ी सिटीज हैं, तो उन एरियाज को हमेशा खतरा बना रहता है, और प्रजातियां वहां बहुत ज्यादा हैं. डिग्री ऑफ एंडेमिज्म एम्फीबियन स्पीशीज की बहुत ज्यादा है, इस वजह से उसको हॉटस्पॉट दिया गया. इसके बाद डिग्री ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, अगर उसका दोहन किया जाएगा, उसको यूज किया जाएगा जरूरत से ज्यादा, तो वो डिग्री ऑफ एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है. हमारी कंट्री में चार प्रमुख हॉटस्पॉट जोन्स हैं, देख लीजिए बच्चों. ये जो आप ऑरेंज कलर में देख रहे हैं, दिस इज द हिमालयन जोन, इसको हिमालय जोन बोला जाता है. इसके बाद ये जो ब्लू कलर में देख रहे हैं, दिस इज इंडो बर्मा, यानी कि इंडिया से लेकर बर्मा तक फैला हुआ है. इसके बाद ये जो ग्रीन वाला देख रहे हैं, ये वाली बेल्ट, ये है वेस्टर्न घाट एंड द संडरलैंड. संडरलैंड है हमारे आइलैंड्स. संडरलैंड सुंदरबन नहीं है, सुंदरबन तो आप इसी में समझ सकते हैं, गंगा डेल्टा रीजियन है, तो वो कोई इसमें हॉटस्पॉट में नहीं आता. संडरलैंड, संडरलैंड यानी कि ये जो आइलैंड आप देख रहे हैं हमारे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये
चौथा है. तो ये चार बड़े इंपॉर्टेंट. इसके अलावा वर्ल्ड वाइड आप देख लीजिए बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, तो उनकी लिस्ट हम फिर आगे कभी बात करेंगे. अभी हमने फिलहाल यहाँ पर आपको ये समझाने के लिए इस डायग्राम को इंक्लूड किया ताकि आप देख लें कि हर जगह नहीं है हॉटस्पॉट, कुछ कुछ इलाकों को डेजिग्नेट किया गया है एज हॉटस्पॉट्स. चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं सेक्रेट फॉरेस्ट एंड ग्रूव्स. सेक्रेट प्रोटेक्टेड एरियाज में है ये सेक्रेट फॉरेस्ट एंड ग्रूव्स. सो सेक्रेट फॉरेस्ट या सेक्रेट ग्रूव्स आर फॉरेस्ट पैचेज अराउंड प्लेसेज ऑफ वर्शिप, जहां पर धार्मिक मान्यताएं हैं, विच आर हेल्ड इन हाई एस्टीम बाई ट्राइबल कम्युनिटीज. आदिवासी इनको काफ़ी ज़्यादा हाई एस्टीम में रखते हैं और उनको डिस्टर्ब नहीं करते, डिस्ट्रॉय नहीं करते. सेक्रेट ग्रुप्स हो गए. तो सेक्रेट ग्रुप्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये भी देख लेते हैं. दे आर द मोस्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉरेस्ट पैचेज. ये ऐसे इलाके हैं जो सबसे ज़्यादा अनडिस्टर्ब्ड हैं, यानी कि डिस्टर्बेंस नहीं है इनमें. आइलैंड ऑफ प्रिस्टीन फॉरेस्ट, ऐसे ऐसे आइलैंड हैं जहाँ पर बिल्कुल शांत माहौल है, घने वन हैं, कोई जा ही नहीं पाता, या यूं कहें कि जाने ही नहीं देते वहाँ के आदिवासी. विच आर ऑफन सराउंडेड बाई हाईली डिग्रेडेड लैंडस्केप. और इन इलाकों के आसपास हाईली डिग्रेडेड लैंडस्केप्स होते हैं, यानी कि उसके बाहर ही निकले तो सब उजाड़ खंड है वहाँ पर, है ना. नाउ ऐसी जगहें जो हैं, लेकिन उनको देखिए ट्राइबल्स ने बचा रखा है. अगर ट्राइबल्स ना बचाएं तो आसपास तो उजाड़ है, ये भी खत्म हो जाएंगे, तो उन्होंने बचाया हुआ. दे आर फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ इंडिया. कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटका में पाए जाते हैं ऐसे एरियाज, महाराष्ट्र में हैं, राजस्थान में हैं, अरावली हिल्स सबको पता है. इसके अलावा छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ भी काफ़ी ज़्यादा ट्राइबल एरिया है. तो वहाँ पर कुछ हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सरगुजा, ये डिस्ट्रिक्ट के नाम देख लीजिए, सरगुजा, चंदा एंड बस्तर, ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट हैं, फॉरेस्टेड एरिया है और वहाँ पर ट्राइबल्स काफ़ी हैं, उन्होंने बचा रखा है बच्चों. इसके अलावा केरला में है और मेघालय में है. नाउ अब एक उदाहरण, टेम्पल्स बिल्ड बाय ट्राइबल्स आर फाउंड सराउंडेड बाय देवदार फॉरेस्ट इन कुमाऊं रीजियन. कुमाऊं हिमालयन माउंटेन रीजियन में, कुमाऊं एक ऐसा रेंज है जहाँ पर जो ट्राइबल हैं जो मंदिर बनाते हैं उसके आसपास देवदार के पेड़ ज़रूर लगाते हैं. तो देवदार के पेड़ इन अ वे उनकी सुरक्षा हो रही है, उनका जो है कंजर्वेशन हो रहा है, राइट. अब बात कर लेते हैं सेक्रेट फॉरेस्ट एंड ग्रुप, वही कंटिन्यूटी में चल रहा है सेक्रेट फॉरेस्ट अलग अलग इलाके में. तो मेघालय, मेघालय का नाम हमने अभी देखा था, ये देख लीजिए देर इज अ लॉन्ग लिस्ट, तो इसमें मेघालय भी आता है. तो इस मेघालय में सेक्रेट ग्रुप्स आर फाउंड इन जयंतिया एंड खासी हिल्स. खासी एंड जयंतिया हिल्स या जयंतिया एंड खासी हिल्स वहाँ की पहाड़ियाँ हैं. तो वहां पर नॉट अ सिंगल ब्रांच इज अलाउड टू कट फ्रॉम दिस फॉरेस्ट. आप उस फॉरेस्ट की एक पेड़ की एक डाली तक नहीं काट सकते. कितनी अच्छी बात है, राइट. मेघालय में है ये जयंतिया एंड खासी हिल्स. जयंतिया एंड खासी हिल्स का नाम याद रखना. मैंने भी ज्योग्राफी में काफी सालों पहले खासी जयंतिया एंड गारो हिल्स के बारे में पढ़ा था, ज्योग्राफी क्लास 10th में, मतलब सदी बीत गई होगी, राइट. सो ओके, सो जयंतिया एंड खासी हिल्स याद रहेगा. सो नॉट अ सिंगल ब्रांच इज अलाउड टू बी कट फ्रॉम दीज फॉरेस्ट. इन फॉरेस्ट की आप एक छोटी सी डाली भी नहीं तोड़ सकते. इसके अलावा बिश्नोई कम्युनिटी जो राजस्थान को बिलोंग करती है, वर्ल्ड फेमस है, बिश्नोईज ऑफ राजस्थान प्रोटेक्ट प्रोसोपिस सिनरेरिया खेजरी ट्री. ये देख लीजिए खेजरी मूवमेंट, आपको पता है खेजरी आंदोलन, तो ये वही खेजरी ट्री है, प्रोसोपिस सिनरेरिया, जिसको स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान भी बोला जाता है. ये राजस्थान का स्टेट ट्री या प्लांट है और इसको बिश्नोई कम्युनिटी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है. इसके अलावा बिश्नोई कम्युनिटी प्रोटेक्ट करती है ब्लैक बक को. ब्लैक बक देख लिया, ब्लैक बक, दिस इज द ब्लैक बक, जिसको बिश्नोई कम्युनिटी प्रोटेक्ट करती है. चलिए बच्चों अब आगे और एग्जांपल्स देख लेते हैं, कुछ सेक्रेट ग्रूव के एग्जांपल्स क्या हैं. सेक्रेट ग्रूव, खासी जयंतिया हिल्स इन मेघालय अभी बताया, वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र अभी डिस्कस किया, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, इसके अलावा सरगुजा, चंदा एंड बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. अब मैं आपके सामने एक पिक्चर दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, ये रही खासी एंड जयंतिया हिल्स. सच अ ब्यूटीफुल प्लेस खासी एंड जयंतिया हिल्स, मेघालय. कभी मेघालय जाएं तो इसको जरूर देखिएगा. इसके अलावा देख लीजिए यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स. वेस्टर्न घाट्स आर वेरी ब्यूटीफुल इलाका एरियाज, वेस्टर्न घाट एंड खासी जयंतिया हिल्स फ्रॉम मेघालय. वहाँ पर एक डाली भी नहीं तोड़ी जा सकती, क्वेश्चन आ सकता है. तो याद रखिएगा खासी एंड जयंतिया हिल्स इन मेघालय,
राइट। तो आज का सेशन यहीं तक बच्चों, अभी हमारे पास एक्स सी टू कॉन्जर्वेशन बचा हुआ है और इन सी टू कॉन्जर्वेशन में भी कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं, तो अगले क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। गेटिंग द पॉइंट। चलिए बच्चों, तो अब जो है जान लेते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा, जो कि इंडिया का बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, आप इसके साथ जुड़ सकते हैं डिटेल लर्निंग के लिए। ये रहे डिफरेंट सब्सक्रिप्शंस, और आप यूज कर सकते हैं कोड प्रदीप लाइव अगर मेरे सेशंस पसंद आते हैं, मेरी क्लासेस के साथ जुड़ना है। अनअकैडमी जेई, अनअकैडमी फाउंडेशन, अनअकैडमी नीट, ऑल आर आवर सिस्टर चैनल्स, सो टुगेदर लेट्स क्रैक इट। और जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो तुरंत के तुरंत इसको करें सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहें, और शेयर कर दिया करिए #NEET Live Daily के थ्रू, ताकि कंट्री के हर एक बच्चे को इस रेवोल्यूशन के बारे में पता चल सके और सारे के सारे बच्चे फ़ायदा उठा सकें अनअकैडमी के चैनल से, राइट। और Pradeep Live is the code. You will also get a 10% discount if you use this code. That's all for today, bachchon. See you again in the next session. Take care. Bye-bye.